लाइक कॉल इट टेक्नो गेमर्स टेक्नो गेमर्स को तो छोड़ दे भोसड़ी टेक्नो गेमर्स को कॉल करेगा ये भोसड़ी का औकात देख रहा। अरे तेरे को बोला था ना भोसड़ी के नमक स्वाद अनुसार और बकचोदी औकात अनुसार हमारे साथ खेलने वाले हैं एक प्रो हर्ष ये भी तुम लोग जानते होगे मैं भी क्या जानती है वास्तविकता के साथ जागो ये श्राप है दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। वीरान गेमर इस बंदे के ऊपर जितने एक्सपोज वीडियोस बनाओ उतने कम है। अब देखो ये बंदा टेक प्रोवर्स को औकात की बात कर रहा था। औकात मतलब ये बोल रहा था कि तेरी क्या औकात तू टेक्नो गेमर को कॉल करेगा। अरे भाई वीरान गेमर एक बात तू सोच, जब टेक प्रोवर्स पूरे एशिया के सबसे बड़े गेमिंग यूट्यूबर टोटल गेमिंग यानी अज्जू भाई के साथ गेम खेल सकता है, यही नहीं जिसकी पहुंच अज्जू भाई तक हो, जिसकी तारीफ अज्जू भाई भी करते हो, जब हमारे साथ खेलने वाले है एक प्रो हर्ष, तो क्या वो टेक्नो गेमर से कांटेक्ट नहीं कर सकता? जिस बंदे की पहुंच एशिया के नंबर वन यूट्यूबर तक हो तो उसके लिए टेक्नो गेमर एक नॉर्मल बात है। तो बॉस गिल्ड के चमचे थोड़ा दिमाग का यूज करके वीडियोस बनाए कर, क्योंकि जहां तक तेरी सोच जाती है ना वहां तक उस बंदे की पहुंच है। खैर छोड़ो इस बात को साइड में हटाते हुए आते एक न्यू टॉपिक पर। अब देखो तुम लोगों को पता होगा मैंने कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो निकाला था, एंड जैसे ही मेरा वो वाला एक्सपोज वीडियो अपलोड हुआ तो उसके कुछ ही घंटों बाद मेरे को व्हाट्सएप पर धमकी आने लगी कि 24 घंटे के अंदर वीडियो को प्राइवेट कर लो अदरवाइज हम तुमको स्ट्राइक दे देंगे। और मुझे समझ में आ गया था ये कौन बंदा कर रहा है, किसने स्ट्राइक देने की धमकी दिलवाई है, कौन बंदे भेज रहा है धमकी दिलवाने के लिए, सब कुछ मैं समझ गया था। एंड फिर तुरंत ही मैंने टेक प्रोवर्स को मैसेज किए और मैंने सारी कुछ बात बताई कि कुछ बंदे मेरे को धमकी दे रहे हैं वीडियो डिलीट करने के लिए। और फिर टेक प्रोवर्स ने मुझे कहा कि उनकी वीडियोस की जहाँ पर तुमने क्लिप यूज की है वो क्लिप हटा दो, लोगो हटा दो, सब कुछ हटा दो, वरना ये बंदे स्ट्राइक मार देंगे। तो ये है वीरान गेमर की औकात, जब कोई बंदा इसको एक्सपोज करे तो उसको धमकियां दिलवाओ, उसके वीडियोस डिलीट करवाओ। अब देखो मैं ये बोलना नहीं चाहता बट थोड़ा इसकी औकात दिखाने के लिए बोलना जरूरी है। अब देखो जब हमारे स्काई भाई की डेथ हुई थी तो इस बंदे ने अगले ही दिन एक वीडियो निकाला RIP स्काई लॉर्ड, मतलब भाई हद होती है वीडियोस बनाने की और व्यूज बटोरने की। अब देखो तुम लोग ये मत सोचना कि इस बंदे ने इमोशन के लिए वीडियो बनाया था, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बंदे को चाहिए थे व्यूज। अगर तुम इसके वीडियो के टैग देखोगे तो देखो इसने अपने वीडियो के टैग्स में क्या क्या लिख रखा है, RIP स्काई लॉर्ड, स्काई लॉर्ड डेथ, स्काई लॉर्ड डेथ न्यूज, स्काई लॉर्ड डेथ टुडे, स्काई लॉर्ड डेथ बाय एक्सीडेंट, स्काई लॉर्ड डेथ रीजन, स्काई लॉर्ड डेथ वीडियो, स्काई लॉर्ड डेड, स्काई लॉर्ड डेथ रियल और फेक, मतलब भाई जितनी हद हो सकती थी उसने पूरी हद पार कर दी। अगर इसको व्यूज नहीं चाहिए होते तो इतने कुछ टैग लिखते अपने वीडियो में, अरे भाई तो एक नॉर्मल वीडियो भी अपलोड कर सकता था बिना टैग के और बिना डिस्क्रिप्शन के, लेकिन नहीं इन्हें तो चाहिए व्यूज और सिंपथी, किसी बंदे की डेथ पर इतना फायदा उठाना, ये है इस बंदे की औकात। साले मजाक बना के रखते। अब देखो तुम लोगों को लग रहा होगा ये VR गेमर बहुत अच्छे एक्सपोज वीडियोस बनाता है, बहुत बड़ा एक्सपोजर है, पूरी रिसर्च के साथ वीडियोस बनाता है, आओ तुम लोगों को दिखाऊं इसकी एक्सपोज वीडियोस की रियलिटी। अब देखो इसने अपने एक वीडियो में लोकेश गेमर को एक्सपोज किया था, जिस वीडियो में इसने बोला था कि लोकेश गेमर फेक डायमंड परचेस करता है। सबसे पहले तुम लोग वो वीडियो क्लिप देखो फिर मैं इसकी रियलिटी दिखाता हूं। तो यहां पे हम लोग करेंगे इसकी स्पीड को पूरा स्लो और यहां पे मैं कर देता हूं इसको प्ले, ठीक है। तो ये देखो जादू 10 मिलियन डायमंड से यहाँ पर 4000 डायमंड हो गए। ओ भाई इतना खतरनाक जादू, लोकेश भाई का जादू देख रहे हो 10 मिलियन डायमंड से, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 4000 डायमंड बचे हैं। देखो भाई डायमंड किंग को देखो, अपने लोकी पोकी डायमंड किंग देख लो मित्रों, कैसे आपका डायमंड किंग आपको पागल बना। अब देखो इस चूतिए ने अपनी वीडियो में बताया कि लोकेश गेमर डायमंड को एडिट करके लगाता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं ये बंदा अपने एक्सपोज वीडियोस बनाते टाइम रिसर्च करता ही नहीं है, बिना लॉजिक के वीडियोस बना देता है। अब देखो अपने वीडियो में बताया कि लोकेश गेमर ने डायमंड एडिट किए थे, तो वे चूतिए पहले ये देख। कैसा लगा गाइस अप्रैल फूल? अभी 10 मिलियन डायमंड को गायब करते हैं हम। बूम बूम बूम, अभी हो चुका है 4000 डायमंड। बोला था ना गाइस मैं डायमंड टॉप अप नहीं करने वाला जब तक फ्री फायर नहीं आएगा। मैंने 10 मिलियन डायमंड गाइस एडिट करके लगवाए थे, तो आपको अप्रैल फूल बना के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा? आपको रियल में लगा था कि मेरे पास 10 मिलियन डायमंड आ गए? देखो यहाँ पर लोकेश गेमर ने अपने वीडियो में बोला भी था कि मैंने ये डायमंड एडिट करके लगाए हैं अप्रैल फूल बनाने के लिए, लेकिन नहीं इन वीरान गेमर जैसे चूतिया क्रिएटर्स को चाहिए व्यूज। ये चूतिया बिना लॉजिक के वीडियोस बना देता है, वीडियोस में ना ही कोई प्रूफ ना ही कुछ, बस वीडियोस बनाता है एक्सपोज वीडियो। अबे शर्म कर, पहले वीडियोस की रिसर्च कर लेकर फिर एक्सपोज वीडियोस बनाया कर, क्योंकि बॉस गिल्ड की तारीफ करने में और एक्सपोज वीडियोस बनाने में जमीन आसमान का अंतर होता है।
खैर छोड़ो, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में। और हाँ, कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा, और जाकर चैनल को विजिट कर लेना, काफी सारे एक्सपोजिंग वीडियोस देखने को मिल जाएंगे तुम लोगों को चैनल पर, तो उन एक्सपोज वीडियोस को भी देखना, और अगर वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।